हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज हम क्लास 9th NCERT मैथ्स का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 4th और 5th आपको सॉल्व कर रहे हैं। आपके लिए देखिए देखिए, तो क्वेश्चन 4 है, बी एंड सी बी एफ सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए यहाँ पे बी एंड सी एफ ये टू इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, माने हाइट्स हैं फ्रॉम बी एंड सी, टू साइड ए बी एंड ए सी। तो हमें प्रूव करना है किससे, यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस। आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से प्रूव करना है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। देखिए तो यहाँ पे आप इसको देखें, तो हम ट्राइंगल ये आर एच एस कंपल्सरी ने किया है, इसलिए हम देखो यहाँ लेंगे बी सी एफ एंड बी सी ई इन ट्राइंगल। अगर ये नहीं बोलते तो हम और तरीके से, पिछले तरीके क्वेश्चन जैसा हो जाता तो हम बड़े ट्राइंगल ले सकते थे, ए बी एंड ए सी एफ। अब हम बोलेंगे बी सी एफ ट्राइंगल बी सी एफ एंड ट्राइंगल बी सी ई, या सी बी ई भी लिख सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या पार्ट इक्वल, देखिए एक तो राइट एंगल है बी, देखो बी एफ सी एंगल बी एफ सी इक्वल टू सी ई वी, सी ई वी मतलब ई और एफ एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री। दूसरा बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन साइड है। तीसरा बी इक्वल टू बी इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है। तो बाय आर एच एस राइट एंगल आर एच एस थ्योरम ट्राइंगल बी एफ बी सी एफ बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी लिख देते, बी सी एफ या बी एफ सी भी लिख सकते थे, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, और सी बी देयर फॉर एंगल बी। ये देखिए ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो बी को लिखे क्या लिखेंगे, एफ बी सी एंगल एफ बी सी इक्वल टू ई सी बी, ई सी बी। अब इस ट्राइंगल को बी एंगल को एफ से स्टार्ट कीजिए या ए से करो, लेकिन वर्टेक्स तो बी पे ही रहेगा, तो एफ बी सी को लिख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। अब बड़े ट्राइंगल में देखिए, ये ट्राइंगल ले लिया हमने, बड़ा बना लिया, दोबारा से मान लीजिए ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने की साइड्स इक्वल हो जाएंगी, देयर फॉर ए बी इक्वल टू ए सी, साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हो गए, तो यही हमें प्रूफ करना था कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी
इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो ये अपना क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट हो गया है। अब फिफ्थ देखिए, इसमें भी आइसोसेलिस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ये तो और भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें प्रूफ करना है। और ये ए पी परपेंडिकुलर है, तो हमें बी पी और सी पी इक्वल प्रूफ करना है, मतलब एंगल बी और सी इक्वल प्रूफ करना है बस। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। दूसरा ए पी बी इक्वल टू ए पी सी ईच 90 डिग्री एंगल है, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन, कॉमन साइड, देयर फॉर बाय, यहाँ पे भी आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस थ्योरम ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए पी सी, देयर फॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फिफ्थ। ये 7.3 कंप्लीट हो गई, और अपने कोर्स में नई बुक में इतना ही है, चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। अब इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, वो हम आपके लिए ज़रूर सॉल्व करके डालेंगे। आप देखते रहिए और लाइक एंड शेयर।